चौक से अलका लांबा बोल रही हूँ। मेरे पीछे आप लाल किला देख सकते हैं। आज एक खबर आई, सुबह उठी तो खबर जो थी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो खबर को बिल्कुल मैंने पता करने की जब कोशिश की, क्या ये सच में हुआ है, तो पता लगा हाँ सच में हुआ है। क्या हुआ है? हैदराबाद में हमारी बेटी, डॉक्टर बेटी को सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जलाने वालों के सर पर हैदराबाद की पुलिस ने गोली मार दी है। चारों को मार दिया गया है। मैं सबको बधाई देती हूँ। मैं मानती हूँ मानवाधिकार आयोग हो, तभी जबान पे पुलिस की इस कार्रवाई पर प्रश्न उठ रहे होंगे। लेकिन लेकिन आधी आबादी, लेकिन उस पिता, उस भाई से पूछिएगा उसे कैसा महसूस हो रहा है जिसकी बहन, जिसकी बेटी को सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जलाया जा रहा था, उन्हें पूछिएगा आज हैदराबाद की पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। निर्भया की माँ, निर्भया का पिता 2012 से न्याय मांग रहे थे, आज उनके चेहरों पे भी एक मुस्कान देखी कि आज हैदराबाद की पुलिस को सलाम करती हूँ। प्रश्न उठ रहे होंगे आप पर, लेकिन आज ये देश की मांग थी, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को असुरक्षित महसूस करवाने वाले, सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जलाने वालों के साथ यही हर्ष होना चाहिए था। आज उन्हें सर पे गोली मारकर चारों को खत्म कर दिया गया है। मैं तो ये भी बात करती हूँ कि अगर दिल्ली की पुलिस ने 2012 में निर्भया के समय ये कर दिया होता, तो शायद हमारी हैदराबाद की पुलिस को ये ना करना पड़ता। शायद हैदराबाद की हमारी डॉक्टर बेटी का सामूहिक बलात्कार करके जिंदा ना जलाया होता। कल उन्नाव की एक बेटी को अगर ये काम 2012 में हो गया होता, तो हैदराबाद की पुलिस ने आज सुबह किया है, अगर दिल्ली में निर्भया में हो गया होता, तो हमारी उन्नाव की बेटी को कल नहीं जलाया गया होता। मुझे नहीं मालूम लोग इसे कैसे देखेंगे कि अलका लांबा जो विधायक रही वो इस तरीके का समर्थन कर रही है। मैंने पहले भी दोहराया, माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, मेरी बेटी नहीं है, 22 साल का बेटा है कहकर आई थी। अगर मेरा बेटा किसी बेटी पर, किसी की बेटी पर आंख उठाएगा, तो पहली सजा देने वाली माँ अलका होगी, मैं होगी। आज खुशी है। रास्ता हैदराबाद की पुलिस ने क्या अपनाया, मैं उस पर नहीं सोचना चाहती हूँ। आधा देश नहीं सोचना चाहता, वो भाई और वो पिता वो रास्ता नहीं सोचना चाहता, नहीं पूछना चाहता, जिसकी बेटियां बलात्कार में आज आप न्याय के लिए सालों से लड़ रही हैं, वो सिर्फ मंजिल देख रहा है। हैदराबाद की पुलिस ने क्या रास्ता अपनाया, मत सोचिए, मैं नहीं सोचूंगी। हाँ, मंजिल क्या थी? मंजिल ये है कि हैदराबाद के सामूहिक बलात्कार करने वालों के सर पर हैदराबाद की पुलिस ने गोली मारकर उन चारों को खत्म कर दिया है। सलाम करती हूँ, 26 जनवरी आ रहा है, कहूंगी हैदराबाद के उन पुलिस वालों को इसी लाल किले से सम्मानित करने का समय आ गया है। आज परिंदों में जो हमारी बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जला रहे हैं, आज उनके मन में खौफ आएगा, आज उनके मन में डर पैदा होगा, आज वो पिता, वो भाई आज चैन की नींद सो पाएगा। आज अदालतों में बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के मामले, जो निर्भया की माँ भी कह रही है, हैदराबाद की पुलिस ने एक शानदार काम किया, बलात्कारियों को इनकाउंटर में चारों को मार गिराया। वरना लग रहा था 2012 में निर्भया को न्याय नहीं मिला, हैदराबाद की डॉक्टर बेटी को सामूहिक बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया, उन्नाव की बेटी को सामूहिक बलात्कार करके कल जिंदा जलाने की कोशिश की, भारत की राजधानी दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और सुबह की ये खबर हम सबके चेहरों पर मुस्कान ले आई। लोकतंत्र है, हर तरह की सोच विचार है, कुछ इस काउंटर पे, इस इनकाउंटर, हैदराबाद की पुलिस द्वारा किए गए इनकाउंटर पे सवाल उठाएंगे, कुछ उनके तरीकों पर सवाल उठाएंगे, पर मेरे जैसे लोग रास्ता नहीं, तरीका नहीं, मंजिल क्या हासिल की, मंजिल ये हासिल की कि हैदराबाद की डॉक्टर बेटी का सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जलाने वालों के
सर पे हैदराबाद की पुलिस ने गोली मारकर चारों को खत्म कर दिया है। कम से कम वे ढोल के साथ मिठाई के साथ जश्न मनाएंगे और उन सभी दरिंदों बलात्कारियों को यहां से बताएंगे कि अब लोग इस तरह के इनकाउंटर का समर्थन करने निकल पड़े हैं। अगर सरकारें सोई ना रहती, पुलिस प्रशासन सोया ना रहता, निर्भया के बाद में सख्त कार्रवाइयां की गई होती, फांसी के तख्तों पर इन्हें चढ़ाया गया होता दरिंदों को, तो शायद आज हैदराबाद की पुलिस को सर पे गोली मारने की जरूरत ना पड़ती। शायद निर्भया की माँ दर दर भटक रही है अपनी बेटी के लिए। बेटियों के मुंह छुपाए जा रहे हैं, बेटियों के नाम छुपाए जा रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, आप गलत थी, इसलिए अपना मुंह छुपाइए, अपना नाम छुपाइए, समाज में आगे आने से उन्हें रोका जा रहा है। बेटियों का क्या कसूर है जिन बेटियों का कहते नाम मत जुबान से लीजिए? बेटी का नाम जुबान से लेंगे तो आपकी जुबान गंदी हो जाएगी। उस बेटी का चेहरा छुपा दीजिए जो बेचारी बलात्कार की शिकार हुई, इसका चेहरा छुपा दीजिए, नहीं तो ये चेहरा समाज के सामने आएगा तो समाज में बैठे भेड़िए उस चेहरे पर प्रश्न उठाएंगे। बदल दीजिए इन कानूनों को, आने दीजिए हमारी जुबान पे उन बहादुर बेटियों के नाम, आने दीजिए उन चेहरे, बहादुर बेटियों के चेहरे देश के सामने जो सामूहिक बलात्कार के बाद भी खामोश नहीं है, जो बाकी बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई को लड़ रही हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। 5 साल की बच्ची को नोचा जा रहा है, हम कहते हैं मार्शल ट्रेनिंग देंगे उन्हें, जूडो कराटे सिखाएंगे उन्हें, 5 साल की मासूम बेटी को क्या सिखाएंगे आप? उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, सिखाने की दूसरों को जरूरत है, जो हमारी बेटियों को हमारी बहनों को इतना आज असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं कि घर से पिता या भाई अपनी बहन को भेजते हुए भी डर का महसूस करता। मुझे नहीं मालूम लोग कैसे देखेंगे कि अलका लांबा, दिल्ली विधानसभा की तुम विधायक रही, तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी मानवाधिकार आयोग जो पुलिस के हैदराबाद पुलिस के इसका इनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आप पे प्रश्न नहीं करूँगी, आप मानवाधिकार आयोग से हैं, आपका लोकतंत्र में हक है कि आप उस पक्ष के बारे में बात करें, लेकिन मैंने ये चुना है कि मैं इस पक्ष की तरफ खड़ी रहूँगी। मैं हैदराबाद की पुलिस के साथ खड़ी हूँ, उनके द्वारा की गई कार्रवाई के साथ खड़ी हूँ, जो काम फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, कानून अदालत सरकारों को करना चाहिए था। पिछले 7-8 साल से देखा कि निर्भया से आज तक कुछ नहीं बदला। बदला होता तो हमारी दो बेटियां पिछले एक हफ्ते में हैदराबाद की डॉक्टर बेटी और उन्नाव की बेटी को सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जलाने की हिम्मत ना की होती, अगर सबक मिले होते। आज मैं आप सभी से कहूँगी इस वीडियो को शेयर करिएगा, आधी आबादी को ताकत मिलेगी, उन बेटियों को, उस पिता और भाई को आज उनसे पूछिएगा मैं क्या सोचती हूँ, देश क्या सोचता है, हैदराबाद की पुलिस ने ठीक किया या गलत किया, हमसे मत पूछिए, क्योंकि वो बेटियाँ या वो बहनें हमारी नहीं थी। उस बेटी को, उस परिवार को, उस पूरे दर्द से गुजरते हुए हमने महसूस नहीं किया, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये पूछना है कि हैदराबाद की पुलिस ने आज सुबह इनकाउंटर करके हैदराबाद की डॉक्टर बेटी के सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को सर पे गोली मार के मार दिया है चारों को, ये सही था या गलत था, ये उन पिता उस भाई उस बलात्कार की पीड़िता से पूछिएगा, ये सही किया या गलत किया। अगर वो कहती है सही किया, अगर उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास आ रहा है कि न्याय होगा और न्याय जनता के दबाव में होगा, सरकारों को करना होता तो आज ये सब ना होता। सरकारें नपुंसक को, हमारी बच्चियों को नोचा जा रहा है। मैं आप सभी को कहूँ समर्थन करिए, सलाम करिए हैदराबाद के पुलिस को, और दिल्ली पुलिस आपको कहूँगी सबक लीजिए, अपनी वर्दी, अपनी कुर्सी, अपने पद, अपनी प्रमोशन अगर फिक्र छोड़ दी होती तो निर्भया को, हमारी बेटी को याद है 2012 क्या नहीं किया इन लोगों ने हमारी बेटी के साथ। आज वो बेटी दुनिया में नहीं है, उसके माँ बाप हैं, जो दिन रात रोजाना कोर्ट पे तारीख से गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी निर्भया जो दुनिया में नहीं रही उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। प्रश्न उठाएंगे, अलका लांबा को घेर लीजिए कि अलका लांबा ने समर्थन करके, पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन करके अच्छा नहीं किया, मुझे परवाह नहीं है।
मुझे जो महसूस हुआ, न चांदनी चौक मेरी विधानसभा है। हर पिता और भाई को यकीन दिलाया है कि अपनी हमारी बेटियों को कम से कम भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक की विधायक हूँ। ये लाल किला आज़ादी का झंडा, आज़ादी का झंडा लहराया था, देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी बेटियों के पैरों पर बड़ी पड़ी बेड़ियों को और सख्त से सख्त कर दिया गया कि बेटियां आज़ाद होंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेटियों में कमियां निकालिए। अरे बाप पे उंगली उठाइए, उस भाई पे उंगली उठाइए, अरे कैसा भाई है, अरे कैसा बाप है, क्यों भेजा था अपनी बेटी को बाहर, वो प्रश्न दरिंदों नहीं उठाएंगे, वो प्रश्न उस भाई बेटे पर और बहन पे उठाएंगे। लेकिन आज जश्न का माहौल है, आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। पता लग जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले में बेटियों की आज़ादी और सुरक्षा को लेकर खुद एक माँ जिसका बेटा है, बेटी नहीं है लेकिन सबको अपनी बेटी मान रही हूँ। आज अगर मेरे बेटे की जगह आज मेरी बेटी होती, वो भी 22 साल की होती, क्योंकि मेरा बेटा है एक है और 22 साल का है। संस्कार दिए हैं उसे, संस्कार दिए हैं, बार बार उसको रोज याद दिलाती हूँ। महिलाओं का सम्मान नहीं किया कभी, गलती से कुछ हो भी गया तो ये माँ तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी, ये माँ उस बेटी के साथ खड़ी होगी। ये डर, ये संस्कार मेरे बेटे को मैंने दिया है। वो हर माँ हर पिता को अपने बेटों को वो संस्कार देने होंगे कि बेटी पास से गुजर जाए, उसे ऊपर से नीचे गंदी निगाहों से मत देखो, उसे सुरक्षित महसूस कराओ कि मेरे आस पास ये नंगी भेड़िए दरिंदगी वाली हवस की नज़र लेकर कोई नहीं, कि आस पास मेरा भाई खड़ा है, मेरा अपना खड़ा है जो मुझे सुरक्षित महसूस करा रहा है। चाहे मैं यहाँ पर, लोग कहते हैं अकेली गई, भारत में कोई अकेला नहीं जाता है। 130 करोड़ के भारत में जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको आदमी ही आदमी दिखेगा, लेकिन आप कहते हैं बेटियाँ अकेली हैं। इस भीड़ में हमारी बेटियाँ अकेली महसूस करती हैं क्योंकि दरिंदों की वो नज़र ऊपर से नीचे तक नहीं घूमती है। मैं आज आप सभी से कहूँगी, दिन भर टीवी में डिबेट्स होंगी, चर्चा होंगी, पर मैंने ये साधन चुना है। 10 लाख से ऊपर फेसबुक पे मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। सोचा है टीवी डिबेट में नहीं जाऊंगी, टीआरपी के लिए एजेंडे लेकर बैठेंगे। कोई पुलिस को घेरेगा, कोई बलात्कार की पीड़िता को घेरेगा, कोई उसके माँ उसके पिता उसके भाई पे प्रश्न उठाएगा, कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, रात को बाहर क्यों गई थी, ये करवाने की जरूरत क्या थी। समाज का भी दबाव आएगा, मुझ पर भी आया था। 2 दिन पहले एक मन चले ने कुछ फेसबुक पे तस्वीर डाली, पूरा समाज आ गया। अलका लांबा जी आप विधायक है, चुनाव लड़ना है, यहाँ पर 50 वोट हैं, क्या करूँ, उसके खिलाफ शिकायत वापस ले लीजिए। लानत है, भारत की राजधानी दिल्ली में एक महिला विधायक हूँ, सशक्त हूँ, कानून अधिकार जानती हूँ, अपने साथ दूसरों की लड़ाइयाँ जानना चाहती हूँ। जब आप मुझे दबा सकते हैं, मुझ पे ये समाज का प्रेशर बना सकते हैं, आप ये सोचिए में बैठे हुए हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारी पीड़िता पर कितना दबाव बनता होगा। शान से बैठे हैं एडीआर का सर्वे, चुनाव का सर्वे आया 2019 में, देश ने जिन सांसदों को चुनकर संसद में पहुंचा दिया है, एडीआर का सर्वे कहता है 45% गंभीर अपराधी बलात्कारियों को पार्टी ने टिकट दिया, हम सब ने वोट दिया, आज वो हमारे सिर पर सांसद बनकर बैठे हैं और उन बलात्कार के आरोपी न्याय मिलेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी संसद से कहना चाहूंगी, कल आपने खाने के ऊपर जो सांसदों को सब्सिडी मिलती थी वो खत्म किया है, उससे ज्यादा बेहतर होता कि जो हमारे सांसद, जो हमारे विधायक, जो हमारे नेता बलात्कार के आरोपी है, जिन पे चार्जशीटों के मुकदमे चल रहे हैं, सबसे पहले खुशी होती उनकी सदस्यता रद्द करके उन्हें उठाकर सदनों से बाहर फेंक दिया जाए। और आज के बाद ये उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत होगी, या तो फिर मैं कहूँगी जितने भी बलात्कार के आरोपी हमारे विधायक सांसद बनकर, हमारे नेता बनकर हमारे सर पर बैठे हैं, थोड़ी भी शर्म हो ना, इस्तीफे दीजिए और बाहर आ जाइए, वरना नेम और शेम मैं बताऊंगी दुनिया को। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.